बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। हमने गोश्त डाल दिया है पानी में और अभी हम साबुत लहसुन डाल रहे हैं। एक पूरी गट्ठी आप छील के डालें, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं मोटा छिलका उतार के। थोड़ी सी हम साबुत अदरक डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा एक खाने का चम्मच, सौंफ डालेंगे दो खाने के चम्मच, साबुत धनिया डालेंगे, साबुत धनिया दो खाने के चम्मच, और हमने गरम मसाला लिया है, काली मिर्च ली है, थोड़ी सी दालचीनी के दो टुकड़े लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, दो छोटी इलायची ली है, जायफल जावित्री आप चाहें तो डाल दें, ये हमने जावित्री भी डाला लिया है, थोड़ा सा टुकड़ा है, आप चाहें तो जायफल भी डाल सकते हैं। ये सारा गरम मसाला हम डाल रहे हैं यखनी में। एक प्याज के चार टुकड़े करके डाल देना। यखनी हमारी पक रही है, गोश्त गलने तक इसको पकाना है, तकरीबन 45 मिनट इसको लगते हैं। तो अभी हम डाल देंगे और आग हल्की कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आधी प्याली हमने तेल लिया है और आधी हमने प्याज ली है। प्याज को हमने काट लिया है, आधी हम बड़ी प्याज की हमने उसको आधा काट लिया है। यखनी को हमने छान लिया है और गोश्त इसमें से हमने अलग कर दिया है। अब प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। हमने दालचीनी ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और लौंग ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट है चम्मच। अभी हम गोश्त डाल रहे हैं। हरी मिर्चें डाल रहे हैं। हमने एक किलो चावल लिए हैं और अभी हम दही डालेंगे एक चाली। हमने एक थाली दही डाल दिए। अभी हम इसमें चावल डालेंगे जो कि हमने भिगो के रखे हैं। तकरीबन आधा घंटा हमने चावल को भिगोया है। पिसा गरम मसाला आधी चमची डाल दें। हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, गोश्त को थोड़ा सा भून के उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। हमें पानी बिल्कुल सूख गया है यखनी का और नमक भी सही है। अभी हम इसको दम पर रखेंगे तो आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।